नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। 5 महीने से थमी मेट्रो सेवा 5 दिन बाद सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ सकती है। मेट्रो का परिचालन सीमित यात्रियों के साथ किया जाएगा। लोगों को जहां एक और कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा, वहीं स्मार्ट कार्ड होने पर ही वे सफर कर सकेंगे। शहर में ऐसे काफी लोग हैं जो मेट्रो में कभी कभार सफर करते हैं, जिसके चलते उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया था, लेकिन अब उन्हें भी कार्ड बनवाना होगा। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों की माने तो यात्री अब नया स्मार्ट कार्ड की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जो ऑटो टॉप अप सुविधा के साथ आता है। नया स्मार्ट कार्ड ऑटो पे मोबाइल ऐप से मंगाया जा सकता है। नए स्मार्ट कार्ड में जब भी राशि 100 रुपए से कम होगी तो ऑटो टॉप अप सुविधा काम करेगी। यात्री का बैंक खाता व डेबिट कार्ड इस ऐप से जुड़ा रहेगा, इसलिए कार्ड रिचार्ज हो जाएगा और कार्ड या बैंक खाते से राशि प्राप्त कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड को दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वेबसाइट, दिल्ली मेट्रो ऐप या पेटीएम से भी आसानी से रिचार्ज कराया जा सकेगा। इस ऐप से पुराने स्मार्ट कार्ड को भी रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। वहीं फेस मास्क लगाकर रखना अनिवार्य होगा। दूसरे यात्रियों से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। बीमार होने पर मेट्रो स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी और 2 यात्रियों के बीच 1 सीट खाली रहेगी। मेट्रो स्टेशन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तय किए गए गेटों से ही मिलेगा प्रवेश और निकास। स्टेशन पर ज्यादा देर रुकेगी ट्रेनें। लिफ्ट में एक समय में 3 लोग ही सफर कर पाएंगे। कोरोना के चलते 170 दिन बाद मेट्रो 7 सितंबर से चलाने की तैयारी है, लेकिन इस बार जब आप स्टेशन पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था बहुत कुछ बदली हुई होगी। बदलाव क्या होगा, इसके लिए केंद्र सरकार SOP तैयार कर रही है, लेकिन अपने स्तर पर DMRC और NMRC ने एक एक गेट को एंट्री व एग्जिट के लिए रिजर्व करने का प्लान बनाया है। दोनों मेट्रो कॉरपोरेशन का कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता, SOP का इंतजार है, उसी के हिसाब से स्टेशन मैनेजमेंट किया जाएगा। अब तक की जो तैयारी है उसके लिए एंट्री गेट पर सीढ़ियों के पास ही थर्मल स्क्रीनिंग पर ऊपर जाने दिया जाएगा। एक्सीलेटर चलने से सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो सकती है, लोग उसको हैंडल ग्रिल भी टच करेंगे। ऐसे में एक्सीलेटर को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी तरह लिफ्ट के लिए भी मेट्रो प्रबंधन SOP का इंतजार कर रहा है। एंट्री गेट पर भीड़ ना होने पाए इसके लिए वहां पर ई रिक्शा व ऑटो दूर रखने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद आपको मेट्रो में सवार ही होना होगा। कुछ लोग वहीं पर बैठकर या खड़े होकर बात करने लगते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी को निर्देश जारी किया जाएगा। सरकार आरोग्य सेतु ऐप को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में इसकी अनिवार्यता को लेकर तमाम सवाल थे। दिल्ली मेट्रो के MD ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि क्योंकि कुछ मेट्रो रेल यात्रियों के पास स्मार्टफोन नहीं हो सकते हैं, इसलिए आरोग्य सेतु को अनिवार्य बनाना सही नहीं होगा। एक सूत्र ने कहा कि स्टेशन पर और अंदर कोचों में सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।